नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आरजे सरोस्वामी में। और आज का हमारा टॉपिक है प्यार का अंजाम। आशा जैसे ही अपने गांव पहुंची, कमल को कॉल करके बता दिया कि मैं सुरक्षित पहुंच गई हूं, और कमल को धन्यवाद दिया। और मन ही मन सोचने लगी कि अगर कमल नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। अभी तक कमल और आशा के बीच में सिर्फ अच्छी दोस्ती थी और कुछ नहीं, लेकिन कमल से दूर होने के बाद आशा का मन बेचैन रहने लगा। और शायद यहीं से आशा के मन में कमल के प्रति लगाव की शुरुआत हो चुकी थी। कुछ दिन बाद आशा गांव से वापस शहर आ गई, लेकिन किस्मत कुछ अजीब सी होती है, अगले ही पल क्या हो जाए कुछ पता नहीं। जब आशा गांव थी तो कमल को एक प्राइवेट जॉब के लिए कॉल आया था। काम और तनख्वाह दोनों बहुत अच्छे थे, इसलिए कमल उन्हें मना नहीं कर पाया और अपने जॉब के लिए उदयपुर चला गया। लेकिन उसके मन में एक तरफ जॉब मिलने की खुशी थी तो दूसरी तरफ आशा से दूर होने का गम। अब आशा अनजान शहर में बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। बस इसी बात का कमल को डर था, लेकिन आशा और कमल के बीच में लंबी बातें होने लगी। धीरे धीरे एक दूसरे के दिल की बातें दबी जुबान में बाहर आने लगी, लेकिन अभी तक दोनों में से किसी ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। लेकिन दोनों के मन में जो पनप रहा था ना, वो मोहब्बत से भी कुछ बढ़कर था। और कहते हैं ना, किसी की मोहब्बत अगर सच्ची हो तो कायनात भी उसका साथ देती है। कमल ने कहा, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। आशा के मन की बात मानो कमल ने सुन ली हो, और आशा ने तुरंत हाँ कर दी। कमल को ऐसा लग रहा था मानो जिंदगी में सब कुछ मिल गया हो। दिल में जो खुशी हो रही थी वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। पहला प्यार जो हुआ था दोस्तों, जब पहला प्यार होता है ना, उसकी खुशी वही बता सकता है जिसने कभी सच्चा प्यार किया हो। कमल के लिए अब इंतजार करना असंभव था। उसने दूसरे दिन ही ट्रेन पकड़ी और चल दिया आशा से मिलने। आशा भी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ट्रेन में बैठने के बाद कमल ने आशा को कॉल किया और बोला कि अब मैं जल्दी सुबह होते ही तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। और दोनों एक दूसरे की बातों में खो गए। पूरी रात दोनों की आंखों से नींद गायब थी, एक पल के लिए भी फ़ोन नहीं रखा। दोनों के दिल इतने पास आ गए थे कि बात करते करते आशा के मुंह से ऐसी बात निकल गई जिसका कमल को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। बातों बातों में आशा ने वो कह दिया जिससे कमल का दिल और उसकी आत्मा हमेशा के लिए आशा की हो गई। आशा ने कमल से बात करते करते कहा, तुम मेरे सब कुछ हो और आज से मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। ये बात सुनकर कमल के दिल में आशा ने वो जगह बनाई जो कभी किसी के लिए नहीं बनी। खैर, बातें करते करते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। इससे पहले आशा ने कभी रात जाग कर नहीं बिताई थी, लेकिन उस रात उसकी आंखों में नींद नहीं, इंतजार था। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों का चेहरा शर्म से लाल हुआ जा रहा था। दोनों एक दूसरे से नज़र भी नहीं मिला पा रहे थे। पूरी रात ट्रेन में बात करने वाले आमने सामने एक शब्द भी नहीं बोला जा रहा था उनसे। कमल ने आशा से कहा, चलो कुछ खाते हैं। कुछ दूर पैदल ही चलने के बाद रास्ते में एक फूलों की दुकान आई। वहाँ से कमल ने एक गुलाब का फूल अपने पहले प्यार को दिया, लेकिन मुंह से उस समय भी वो कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन आशा के आंखों में मानो प्यार उमड़ रहा हो। वो कमल के बिना कुछ बोले सब कुछ महसूस कर रही थी। दोनों ने काफ़ी देर बातें की, रेस्टोरेंट में खाना खाया, शॉपिंग की, और शाम की ट्रेन से कमल वापस निकल गया। कमल ने आशा की सादगी और सच्चाई देखकर उसे अपने मन में अपने दिल से अपना लिया था, और आशा ने भी कमल का प्यार और विश्वास देखकर उसे अपने दिल में बिठा लिया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका प्यार और मजबूत होता गया। दोनों के बीच में प्यार और विश्वास का ऐसा बंधन है जो अटूट है। कमल उदयपुर में काम करने लगा और चाहता था कि आशा को आगे बढ़ाने के लिए जो वो काम कर सकता है वो करे, लेकिन दोनों की कुछ मजबूरियां थी जिसके कारण उन्हें अलग अलग शहरों में रहना पड़ रहा था। और वो मजबूरियां उनके परिवार वाले, जिन्होंने कभी उनकी शादी को सहमति नहीं दी क्योंकि वो अलग अलग जाति के हैं, और वो अपने परिवार की इज्जत
और खुशी के लिए अलग अलग रहने लगे। लेकिन उन दोनों ने कभी किसी और से शादी नहीं की। फ़ोन पर बातें करते हैं, कभी कभार मिल भी लेते हैं, लेकिन आज भी वो बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। इस कहानी से हमें दो बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहली कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों की खुशी देखे, ना कि दुनिया को, जाति को। दूसरी सीख है, प्यार तो वो है जो आंखों के रास्ते मांग की सिंदूर तक साथ निभाए, और अगर सिंदूर तक साथ नहीं जा पाए तो उस मांग में किसी दूसरे के नाम का सिंदूर भी ना सजे। अरे प्यार करना है तो दिल से करो, टाइम पास नहीं। इस दुनिया में आए हैं तो प्यार से रहिए, नफरत से कुछ नहीं मिलने वाला। प्यार करो खुद से, प्यार करो दूसरों से। लव यू ऑल। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।